हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हेल्दी डिशेज। आज मैं शेयर करने वाली हूँ मॉल वाले मसाला स्वीट कॉर्न की रेसिपी, जो बहुत इजी होती है और बहुत क्विक भी बन जाती है। मसाला स्वीट कॉर्न बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक फ्रेश कॉर्न के दाने लिए हैं। मैंने इस तरह से फ्रेश कॉर्न लिया था और उसके दाने निकाल लिए हैं। अगर आपके पास फ्रेश कॉर्न नहीं है तो आप मार्केट में जो फ्रोजन वाले पैकेट वाले मिलते हैं, आप उससे भी ये वाली रेसिपी बना सकते हैं। तो सबसे पहले कॉर्न को बॉईल करने के लिए रख देते हैं। कॉर्न को बॉईल करने के लिए हम इसमें 1 गिलास पानी डाल देंगे। पानी को थोड़ा गर्म होने देंगे और जब पानी गर्म हो जाए तो उसमें एक कॉर्न के दाने डाल देंगे। पानी हमें इतना डालना है कि कॉर्न हमारे सारे डिप हो जाए अच्छे से। इसमें 1 छोटा चम्मच नमक डाल देंगे और कॉर्न को 5 से 6 मिनट के लिए बॉईल कर लेंगे। तो अब हमारे कॉर्न बॉईल हो चुके हैं, पानी को ड्रेन कर लेंगे। अब कॉर्न्स को एक बॉल में ट्रांसफर कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच लाल कश्मीरी मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच चाट मसाला, 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, या आप ज़्यादा स्पाइसी या कम स्पाइसी खाते हैं तो उस हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, 1/2 छोटा चम्मच सॉल्ट, चूँकि हम नमक पहले भी डाल चुके हैं तो अभी थोड़ा ही डालेंगे, और 1 नींबू का जूस। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें 1 छोटा चम्मच मेल्ट किया हुआ बटर डाल देंगे, इससे बटरी फ्लेवर आएगा। सबको मिक्स कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे मॉल वाले स्पाइसी मसाला स्वीट कॉर्न तैयार हो चुके हैं। बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में और बहुत जल्दी भी बन जाते हैं। आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें, और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई डिलीशियस एंड हेल्दी डिश के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।